नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। झालावाड़ के दिव्यांग पार्षद संजीव वर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को ज्ञापन भेजकर मांग उठाई है कि बजट घोषणा 2023 में प्रदेश के प्लेसमेंट कर्मियों के लिए RLSDC गठन की घोषणा हुई थी, जिसमें 2021 से पहले लगे कार्मिकों को फिक्स मानदेय दिया जाना था, लेकिन सिर्फ कई विभागों की सूचना एकत्र की जा रही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदेश के कार्मिकों के अनुसार इस घोषणा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और असंतोष भी व्याप्त है कि आखिर कब तक 6,000 रुपयों में प्रदेश के प्लेसमेंट कर्मियों को काम करना होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से शीघ्रता से इस पर कार्रवाई करने के लिए हमने दोबारा ज्ञापन भेजा है। नमस्कार साथियों, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन भेजकर एक मांग की है कि प्लेसमेंट कर्मचारी जो प्रदेश के लाखों कर्मचारी लगे हुए हैं, इनके लिए RSLDC की बजट घोषणा में घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले 6 महीने से केवल अन्य विभागों के द्वारा सूचना मांगी जा रही है, लेकिन अभी तक सूचनाओं का संग्रहण नहीं किया गया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील की है कि बजट घोषणा में जब आपने ये घोषणा की है कि प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल कैडर होगा, स्पेशल मानदेय होगी, RSLDC की स्पेशल से अलग से इसका फिक्सेशन करवाया जाएगा इसके माध्यम से, लेकिन हमें चूंकि जैसा जनता का फीडबैक मिल रहा है, कर्मचारियों का फीडबैक मिल रहा है, इस घोषणा पे लगभग एक प्रश्न चिन्ह सा लगता नज़र आ रहा है। हालांकि इस पर हम भी जानते हैं कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई काफ़ी लंबित है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये गुजारिश करते हैं कि त्वरित गति से इस पर कार्रवाई करवाएं, जल्दी से जल्दी इसका फीडबैक लें और प्लेसमेंट कर्मचारियों को जो कि पिछले कई वर्षों से 5 से 7 हज़ार में काम कर रहे हैं, और इनको राहत दिलाएँ। जय